कि छत पर चलते हैं कि काइट उड़ाने के लिए, तो दोनों बहनों में बहसबाजी हो रही है कि काइट मैं उड़ाऊंगी और काइट मैं उड़ाऊंगी। तो ऊपर जाकर के छत पर बहुत मस्ती की इन दोनों ने, बहुत ट्राई किया काइट को उड़ाने का, लेकिन काइट को उड़ा नहीं पा रही थी। इसी बीच देवांश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो काइट उड़ा नहीं पा रही हैं, बिना मतलब ऐसे परेशान कर रही हैं काइट को, और बहुत ज़्यादा ट्राई के बाद भी काइट नहीं उड़ पा रही थी। पता है काइट क्यों नहीं उड़ पा रही थी? क्योंकि इसके पापा ने इस काइट को गलत तरीके से टैग कर दिया था। जो धागा आगे बंधना था वो पीछे बांध दिया था, तो काइट को उल्टा उड़ाने के चक्कर में तो काइट नहीं उड़ पा रही थी। तो कितना ही ट्राई कर लो, तो अगर हमने गलत उसको बांध दिया है तो काइट हमारी नहीं उड़ेगी दोस्तों। तो अब ये फाइनली लास्ट ट्राई था, और लास्ट में जा कर के पतंग एक उसमें उलझ गई है, ये देखो फट गई। और इस पर देवांश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उसने उस लकड़ी को ही पीटा। ये देखो कि इसने मेरी काइट को फाड़ दिया है, क्योंकि एक तो पहले से उड़ ही नहीं पा रही है पतंग, ऊपर से वो फट और गई है। तो इसको बच्चे को होता है ना अंदर से कि मेरी काइट फट गई है, और ये महारानी छोटे वाली तो मानने का नाम ही नहीं ले रही है, कह रही है नहीं इसी को उड़ाऊंगी और मैं इसको उड़ा के दिखाऊंगी। हालांकि मेरे को पता नहीं था कि पतंग उल्टी बंधी है या नहीं बंधी, तो मैंने धागा दोबारा से ट्राई करके दोबारा से बांधा, तो पता चला कि ये धागा उल्टा था। ये देखो अब इसको गुस्सा आ गया है पतंग नहीं उड़ने के चक्कर में, फाइनली इसने पतंग को फाड़ दिया है। दोनों बहनें दूर जाके बैठ गई हैं, वो महारानी इधर दूर जाके सामने आप लोगों को दिखाई देगी, ये देखो सामने जाके बैठ गई है, और वो दूसरे वाली नीचे चली गई है अपना प्रोजेक्ट बनाने के चक्कर में। अब फाइनली डोर मेरे हाथ में आई, तो आप लोगों को पता है मैंने ट्राई किया, देखा मैंने उसको, और फिर मैंने उसको उल्टा बांधने के बाद ट्राई किया, और कितनी देर उड़ती पतंग, थोड़ी 5-7 मिनट उड़ने के बाद, क्योंकि मैंने पहली बार अपनी लाइफ में पतंग उड़ाई है दोस्तों। तो एक बार फाइनली थोड़ा सा उड़ने के बाद मेरी पतंग नीचे आ गई है। इसी के साथ हमारी ये श्याम वाला ब्लॉग समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों।